तो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के V30A डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर पावर ऑफ पासवर्ड सेटिंग को एनेबल कैसे करेंगे। गाइस एक ऐसी सेटिंग्स है जिसमें आप जब भी अपने फोन को पावर ऑफ करने की कोशिश करेंगे या फिर रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो रिक्वायरमेंट होगी आपके स्क्रीन लॉक पासवर्ड की, और ये काफी बेनिफिट है आपके लिए इसका अगर यूज कर लेते हैं। इसका यूज करने से बेनिफिट पहला नंबर ये है कि आपका अगर फोन कहीं लॉस होता है तो कोई भी पर्सन इसको पा भी जाता है, लाइक किसी पर्सन को मिल भी गया तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ केसेस में लोग पावर ऑफ करने की ही कोशिश करते हैं, बट जिसको पासवर्ड पता होगा वही आपके फोन को ऑफ कर सकता है। ऐसे में आप इजीली उसे ट्रैक कर सकते हैं, इवन अगर आसपास ही आपका गुम हुआ है फोन तो उस पर आप बेल वगैरह भी बजा सकते हो, क्योंकि पावर ऑफ नहीं होगा तो रिंग भी डेफिनेटली उस पर जाएगी। तो एक छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को एनेबल कैसे करते हैं। गाइस इस सेटिंग को फोन के अंदर एनेबल करना काफी इजी है। पहले उसके लिए सेटिंग्स को ओपन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इसमें एक सेटिंग्स होगा प्राइवेसी का, जस्ट आप क्लिक करेंगे इस तरह से, देन इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे, स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसमें एक सेटिंग्स होगा अनलॉक टू पावर ऑफ, ध्यान देना ये एंड्रॉइड 14 के अंदर मिल जाता है एंड कुछ कुछ फोनों के अंदर ये अपडेट नहीं होता नाम, कुछ में अपडेट मिल जाता है, जैसे कि मेरे केस में अनलॉक टू पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है, किसी में अनलॉक इंटर पावर ऑफ पासवर्ड ऐसे करके कुछ समथिंग मिल जाता है। तो बस आपने उसी सेटिंग्स को ऑन करना, ध्यान रखना अगर ये सेटिंग्स आपको रीड करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो नीचे जो मेंशन आपको मिल जाएगा यू नीड टू अनलॉक वाला ऑप्शन, इसको रीड करने की कोशिश करना तो इजी होगा ऑप्शन को समझने में। तो अगर ये डिसेबल्ड है तो आप इसको इनेबल कर लेना, और इनेबल करते ही आपके फोन के अंदर ये चालू हो जाएगा। एंड ये काम कैसे करता है मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था, आपकी स्क्रीन जब तक ऑन रहेगी तब तक आप आसानी से इसको ऑफ कर सकते हैं, जैसे आपने स्क्रीन को लॉक करा तो रिक्वायरमेंट होगी आपके स्क्रीन लॉक पासवर्ड की। सो आई थिंक गाइस समझे होंगे कैसे इसे इनेबल एंड यूज कैसे करना था। एंड फिर भी इसके रिकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजिंग होती है सो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।